हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक DIY शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही कलरफुल एंड क्यूट सा DIY है। आप इसको अपने बैल्कनी डिकोर में यूज़ कर सकते हैं या आप अपने घर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, अंदर लिविंग रूम, किसी भी रूम में किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यस, विदाउट फर्दर एडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक कोस्टर, एंड यहाँ पर मैंने सैंड पेपर ले लिया है बिकॉज़ ये जो कोस्टर है इसके ऊपर का जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एंड मैं इसको रफ करने वाली हूँ। तो मैं इसको अच्छी तरीके से सैंड पेपर से रब करूँगी एंड सरफेस को थोड़ा सा अनइवन करूँगी। मैंने अब यहाँ पर चॉक पेंट लिया है और एक वाइट बेस कलर का मैं कोट कर रही हूँ। आप जेसो ले सकते हैं, एक्रेलिक पेंट ले सकते हैं, जो पेंट आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एयर ड्राई क्ले यूज़ कर रही हूँ जो कि मैंने फेविक्रिल का लिया है। इसमें एक रेजिन होता है एंड एक हार्डनर होता है। नाउ हेयर यू हैव टू टेक इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ एंड मिक्स देम टुगेदर, एंड ये आपको तब तक मिक्स करना है एंड एक इवन डो बना लेना है। इवन डो जब तक फॉर्म नहीं हो जाता है तब तक इसको मिक्स करना है एंड देन यूज़ इट फॉर अ मोल्डिंग शेप्स। अब आप किसी भी मोल्डिंग शेप में इसको यूज़ कर सकते हैं एंड ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा देर तक इसको बाहर नहीं रखना है, अदरवाइज ये हार्ड होने लगता है। जो अपना आर्ट बनाने के लिए मुझे जिस तरह के शेप्स का रिक्वायरमेंट है वो शेप्स मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ पर हमने हमारा कोस्टर लिया वापस से और जो हमने फर्स्ट शेप बनाया था ये हमने स्टेम का शेप बनाया हुआ है, ब्रांच आप बोल सकती हो, ट्री का ब्रांच काइंड ऑफ है ये। उसको मैं थोड़ा सा रफ बना रही हूँ बिकॉज जो ब्रांच होता है वो कैसा होता है, ऐसे रफ एजेस होते हैं उसके, एंड टेक्सचर्स दे रही हूँ। मैंने अब जो तीन ये ओवल शेप के और दो में से जो शेप्स बनाया था उसको मैं यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ वन बाय वन। आप यहाँ पर फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं स्टिक करने के लिए, बट ये ऑलरेडी अगर आप पीछे थोड़ा सा पानी का सरफेस लगा देंगे ना और इसको स्टिक करेंगे तो भी ये जो क्ले है आराम से स्टिक हो जाता है। बट हाँ, सेफर साइड आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली फेविकॉल ख़त्म हो चुका था तो मैं बिना फेविकॉल के ही इसको स्टिक कर रही हूँ एंड बहुत आराम से ये स्टिक हो गया था। उसके बाद ये देखिए, इस तरीके का हमारा अभी जो बेस है वो रेडी हो चुका है। अब मैं अगेन एक और मैंने रेजिन एंड हार्डनर लिया है, उसको मैं मिक्स कर रही हूँ डो के फॉर्म में और बाकी का जो मुझे प्रोसेस करना है, बाकी के जो शेप्स बनाना है वो अब मैं यहाँ पर बनाना स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ पर कुछ फ्लावर्स एंड लीव्स बना रही हूँ क्ले से ही। तो जैसे जैसे आपको जो जो भी अपनी क्रिएटिविटी इसमें यूज़ करनी है आप वो बना करके डाल सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पर ड्रिल मशीन से एक ऊपर होल भी कर दिया है, अगर आप देख सकते हैं तो ये मैंने हैंग करने के लिए एक वहाँ पर होल बना दिया है।
ये जो हमारा शेप है और जो जो भी मुझे बनाना था 3D फॉर्म में, वो सब बनके रेडी हो चुका है। अब बारी आती है कलर करने की, तो मैं कलर्स में यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ एक्रेलिक कलर। मेरे पास कुछ एक्रेलिक मार्कर भी थे जिससे मैंने ट्राई किया स्टार्टिंग में करना, बट वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग नहीं आ रही थी। तो आई वुड से कि आप एक्रेलिक जो ब्रश एंड पेंट होता है उससे ही कलर करिएगा, बिकॉज इससे मुझे इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं लग रही थी। ब्रश की हेल्प से करने से ना आप कंट्रोल बहुत अच्छे से कर पाते हो। ये जो एक्रेलिक मार्कर्स हैं ये आई थिंक प्लेन सरफेस के लिए बेस्ट रहेंगे, बट इस तरह की कलरिंग के लिए तो ये बिल्कुल भी बेस्ट नहीं थे। तो मैं यहाँ पर वही 0 and 1 नंबर का या 2 नंबर का ब्रश लेकर के कलर कर रही हूँ, तो काफ़ी ईजिली मैं हैंडल कर पा रही थी और कंट्रोल कर पा रही थी अपने अकॉर्डिंग। कलर करने के बाद लास्ट में मैं जो आउटलाइन कर रही हूँ वो 00 ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। काफ़ी थिन होता है एंड बहुत अच्छे से इससे आउटलाइन हो गई थी। आप चाहें तो मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जब ये पूरा पेंट सूख गया था उसके बाद मैंने इसके ऊपर वार्निश भी कर दिया था, तो एक अच्छी सी शाइन ऐड हो गई थी एंड ये जो आर्ट है ये मेरा सिक्योर हो गया था और ये बनके ऑलमोस्ट अब रेडी है। बहुत ही थेरापिटिक था मेरे लिए ये बनाना, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया मैंने इसको बना करके। एंड सी हाउ क्यूट इट इज़ लुकिंग, बहुत ज़्यादा क्यूट सा लग रहा है ये। सो डू लेट मी नो गाइज आपको कैसा लगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।